आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों के पास में चार स्नेक है और ये चारों को हम लोग हजारीबाग नेशनल पार्क में रिलीज करने आए हुए हैं। इसमें दोस्तों कॉमन उल्फ स्नेक, जिसको हजारीबाग क्षेत्र में लोग जो है झारखंड क्षेत्र में, पूरा झारखंड क्षेत्र ही समझिए तो इसको क्रेत के नाम से लोग समझते हैं, क्योंकि ये क्रेत के जैसा दिखने वाला स्नेक है। आप देख सकते हैं, और ये दोस्तों बाइट करने में बहुत ज़्यादा माहिर है, काटने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। और इसको आप देख सकते हैं, इसका चेहरा को आप देखें और इसको पहचानें। इसका चेहरा पर फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि ये क्रेत नहीं होता है और ये बिसेला नहीं है, लेकिन लोगों को इससे भी जान जा रही है, क्योंकि लोगों जो है खास करके झारखंड में लोग सांप को नहीं पहचानते हैं, इसको भी क्रेत समझते हैं। और ये बाइट करने के बाद ज़्यादातर लोगों को अटैक आने से उसकी मौत होती है। अभी यहाँ इसको हम लोग रिलीज करेंगे। दूसरा है दोस्तों, ये भी बहुत काटने वाला सांप है और ये वाटर स्नैक के नाम से इसको जानते हैं, किलबैक वाटर स्नैक। इसको भी यहाँ हम लोग रिलीज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा बाइट करने में माहिर होता है। और तीसरा है दोस्तों रेट स्नैक, ये बिग साइज का है, लगभग 8 फीट का होगा ये। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बिग साइज का है। इसको भी यहाँ हम लोग अभी पर्यावरण में रिलीज करेंगे। ये बहुत तेज भागने वाला सांप होता है दोस्तों, इसको छोड़ते ही ये गायब हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको, और ये तीसरा दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हम लोग लगभग हजारीबाग से 70-75 किलोमीटर दूर यहाँ हम लोग पर्यावरण में रिलीज करेंगे। इसका आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है दोस्तों। दोस्तों इसको काटने से कुछ नहीं होता है, अगर आप झाड़ फूँक तंत्र मंत्र के चक्कर में रहिएगा और हॉस्पिटल अगर जल्द नहीं गए
तो सुबह में लकड़ी और बांस का जुगाड़ करना पड़ता है, इसलिए इससे बचे और इससे दूरी बना के रखें। सोने से पहले इसको यहाँ अभी पर्यावरण में हम लोग रिलीज कर रहे हैं। चार स्नैक हम लोगों के पास था दोस्तों, अभी हम लोग पर्यावरण में रिलीज किए हैं चारों को। उसमें से एक विषैला था दोस्तों, बाकी सब नन विषैला था। लेकिन झारखंड वासियों को निवेदन करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को देखें और सांप को पहचानें, ताकि किसी को भी सांप अगर काटता है तो उसमें आप उसको बचा सकते हैं, मौत दर कम कर सकते हैं। बशर्ते वीडियो देखेंगे तभी यह सब चीज़ हो सकता है, क्योंकि जितने भी भारत में रेस्क्यूअर हैं, स्नेक रेस्क्यूअर, वो वीडियो अगर बना रहे हैं तो आप ही के लिए बना रहे हैं, इंडिया में मौत दर कम करने के लिए बना रहे हैं। और आप लोग वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, जितना ज़्यादा वीडियो आप लोग देखेंगे उतना ज़्यादा भारत में सांप काटने से मौत कम होगी। धन्यवाद।